अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सॉरी, वो मधुमक्खी थी। महक, हाय, आप भी हैं यहाँ पे? चलिए ना, आपकी मम्मी आई है। महक, मेरे पापा का फोन आ रहा है, मुझे निकलना होगा, कल मिलती हूँ, बाय। अब बाय मिस्टर हॉटी, मतलब बाय मिस्टर एकांश सर। हमारे यहां तो ऐसी कहां चली गई थी तू? सर बैठिए ना। एकांश, हम यहाँ महक का हाथ तो मांगने आ गए, लेकिन हमने इन्हें अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। महक का रिश्ता सिर्फ तेरे साथ नहीं, पूरे परिवार के साथ जुड़ने वाला है। आंटी, महक बिजनेसमैन, हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, और जितनी इंपॉर्टेंस मैं अपने बिजनेस को देता हूँ, उतनी इंपॉर्टेंस मैं अपनी फैमिली को भी देता हूँ। मेरे और मेरी माँ के अलावा मेरी फैमिली में है चाचा चाची। हमसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है। चाची हूँ मैं एकांश अग्निवंशी की, कोई भिखारी नहीं हूँ। पहले से ही सुनीता भाभी और एकांश कम थे कि अब उनके आने वाली बहू के सामने भी हाथ फैलाने पड़ेंगे। मेरे देवर है नरेंद्र, बिल्कुल राम के लक्ष्मण है। एकांश के पापा के जीते जी उन्होंने जो जो सीखा उनके जाने के बाद आज भी वो उसी पर अमल कर रहे हैं। ऐसा के जाने के बाद मैं भी घुट घुट के जी रहा हूँ इस घर में। एक एक मौका चाहिए और सारी सत्ता मेरे हाथ में होगी। चाचा चाची के बाद है मेरे बुआ और फूफा जी। चलो जी, सुनकर बड़ी तसल्ली हुई। अरे सुनीता भाभी एकांश के लिए लड़की ढूंढ रही है? हाय, बहुत अकेला पड़ गया था बेचारा, उसे ना प्यार की, पत्नी के साथ की सख्त जरूरत है। एकांश के पापा के जाने के बाद उसकी बुआ और फूफा जी का घर होने के बावजूद हमारे साथ ही रहते, ताकि वो बच्चों को अपना प्यार दे सके। तुम्हारे हिसाब से ना? अरे एकांश खुद क्या चाहता है ये तो कोई नहीं जानता। तुम्हें तो उसके बारे में पता है ना? है, मुझे क्या? अरे भाई, जब तक इस घर में मेरी अय्याशी चल रही है तब तक तो बस फायदे ही फायदे हैं। महक, तुम्हें तो अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगी जयंती दीदी। और बुआ फूफा जी के बाद हैं वीरेन भाई और रानी बाग। रानी, माँ का कॉल आया था, ने कोई लड़की पसंद कर ली एकांश के लिए। थैंक गॉड, अब मेरे भाई को वो मिलेगा जो चाहता था। तुम तो खुश हो गए, तुम्हारा क्या जा रहा है? नुकसान तो मेरा होगा, वो तो मैं इस घर की बड़ी बहू, लेकिन एकांश की बीवी के आ जाने पर पता तो उस महारानी का ज्यादा होगा इस घर में ना। बिना कभी कुछ नहीं हो सकती हो। तुम जैसे निकम्मे से जो शादी की तो कुछ कैसे हो सकती? किस्मत तो वैसे ही खराब हो गई, और तुम भी ज्यादा उछलो मत। याद है ना पिछली वाली के साथ क्या हुआ था? एकांश के वजह से पूरा परिवार अब तक भुगत रहा है। मुझे बहुत मानते हैं, मैं छोटा हूँ, फिर भी मेरे सीईओ होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और महक, तुम्हें उन दोनों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। बस इतनी सी है हमारी फैमिली, हमारे प्यार और साथ में आज तक हमें अपने पन के धागे में बांध के रखा हुआ है। वंदना जी, आपकी हिचकिचाहट मुझे अच्छी तरह समझ में आ रही है, और
हमेशा कही हुई बात पर यकीन करना सही नहीं होता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहाँ खुद सब कुछ देखिए, सबसे मिलिए, ताकि आप लोगों के लिए फैसला लेना और आसान हो जाए। जी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी बात कर रही हूँ, बस मैं एक मिनट में आई। क्या बात करनी है तुझे अभी? चल। क्या है? आप उनको भी दिल्ली जाने के लिए हाँ कहने वाली थी ना? बेटा, जब एक दूसरे के यहाँ रिश्ता भेजते हैं या रिश्ता आता है तो जांच पड़ताल करते ही है। विक्रांत के मामले में हमने ये नहीं किया ना, तो नतीजा सामने है। और फिर एकांश और उसकी माँ हमें ये मौका दे रहे हैं, तो तू इतना क्यों सोच रही है? पता नहीं माँ, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी है, कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो। कुछ गलत नहीं होगा, पहले हम उनके घर परिवार को देखते हैं और फिर जो जवाब देना होगा दे देंगे। अब चल, ज्यादा सोच मत, चल पैकिंग कर, समझी? वंदना जी, इतना बड़ा बैग लेने की क्या जरूरत थी? एकांश महक को शॉपिंग करवा देता, इसी बहाने दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेते। हाँ, पर ऐसे खाली हाथ भी तो नहीं जा सकते थे। महक, तुम ये तुलसी का पौधा क्यों लेकर चल रही हो? हमारे वहां पर है तुलसी। आंटी, वो एक्चुअली मेरा तुलसी का पौधा मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। दरअसल इसको एक भी दिन पानी ना दो ना तो ये मुरझा जाता है। ठीक है वंदना जी। जी आइए, हम आगे वाली गाड़ी में बैठते हैं। माफी भाई साहब, मैंने यह टाइम मिला ना, जगह लाश गाड़ी में घेर दिया। Back. तुम रहने दो, चौटाला सामान रख देगा। नहीं नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे ना अपना काम खुद करने की आदत है, और वैसे भी ये पौधा तो तुलसी का है ना, इसे संभाल के रखना होगा। मैं खुद रख लूंगी। मैंने मना किया था ना, देखो तुम हमारी मेहमान हो और हमारे यहां मेहमानों से काम कराने का रिवाज नहीं है। लाओ ये मुझे दो, तुम्हारा सामान भीम रख देगा, जाओ। बड़ा घर, ये
आपका घर है? हाँ मेरा ही घर है। चलिए अंदर चलते हैं, सब आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जी रुको, हम अपना सामान खुद ही निकालेंगे। हारे रहते आप। नहीं नहीं भैया, हम खुद निकालेंगे। मेरी तुलसी, मेरी तुलसी मुरझा गई। इस बात पर इतना कोई चिल्लाता है क्या? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। पौधों की फितरत होती है मुरझाने की, कुछ दिन पानी और सनलाइट मिलेगा तो फिर से खिल उठेंगे। वंदना जी, भीम सामान ले आएगा, हम अंदर चलते हैं। जी चलो। रुको, मैं निकाल देता। नहीं नहीं, मैं निकालती हूँ। मैं निकाल दूंगा ना, तुम जाओ मैं आता। जब हम डिनर के लिए होटल में रुके थे, मैंने तभी बॉडी को दूसरी गाड़ी में रख दिया था। आइए अंदर।
डरो मत, ये ऑटोमेटिक दरवाजा है, लोगों को सेंस करके अपने आप खुल जाता है। यू वेलकम, चलो। ये माँ बेटे इस नौकरानी को कहां से उठा के लेके आए? जॉनी प्लीज, ये महक है, इसे मैंने एकांश के लिए पसंद किया है। बहुत प्यारी बच्ची है, तो मैंने सोचा रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मिलवा दूं। वंदना आंटी और महक हमारे घर के गेस्ट हैं, एंड आई होप इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एकांश बेटा, महक बहुत ही प्यारी बच्ची है, मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है। सुनीता भाभी, अपनी होने वाली बहू को सारे घर वालों से मिलवाओ ना। बिल्कुल दीदी, ये वंदना जी, उनकी बेटी महक, मसूरी में मिले हम इनसे। मुझे महक देखते ही एकांश के लिए पसंद आ गई थी। महक नमस्ते करो। महक लो, तुम्हारी अमानत मुझे दे दो। नमस्ते। नमस्ते। वंदना जी, ये है मेरा पूरा परिवार। बहुत कुछ सुना है आप लोगों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही सुना होगा। After all, इतना फेमस परिवार है हमारा। आए दिन कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई हंगामा। रानी का कहने का मतलब है आंटी कि रोज हमारे घर में हंगामा होता है।
आप रोज यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, हम लोग पार्टीज करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी जो फैमिली है वो थोड़ी सी बड़ी है और फुल टू फिल्मी भी। फिल्मों से याद आया, ये जो राजश्री वाले है ना, हमारी फैमिली से इंस्पायर होकर के फिल्में बनाते हैं, है ना रानी? ये तो पहली वाली से भी बहुत ज्यादा भोली है, बुरी फंसी बेचारी। वंदना आंटी। जी सर। आप थक गए होंगे, प्लीज आराम कर लीजिए। जी बिल्कुल, आइए वंदना जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, इसी बहाने आप घर भी देख लीजिए। सुनीता जी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं और महक एक ही कमरे में रह लेंगे। वंदना जी, महक को थोड़ा सा मौका तो दीजिए हमारे परिवार के साथ वक्त बिताने का। महक, यहाँ पर सब तुम्हारे अपने हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। एकांश तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगा और वंदना जी के साथ तो मैं हूं। चलिए वंदना जी। वंदना जी आराम कर लीजिए, आप रात भर ट्रैवल किया है, चाय का इंतजाम करवा देना। हाँ जी, आइए। चले।